उदाहरण 5। साधना बैंक से 10,000 रुपए 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेती है। उसे उक्त राशि को अतिरिक्त राशि ब्याज के साथ वापस करना पड़ता है। 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और लौटाई जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। उदाहरण 5। हल। प्रश्न में हमें दिया है कि ली गई राशि कितनी है, 10,000 रुपए, यानी कि यदि हम पहले वर्ष के लिए ब्याज की गणना करने जाएं, तो पहले वर्ष का मूलधन कितना होगा। पहले वर्ष का मूलधन हम यदि इसे P1 से व्यक्त करें तो हम लिखेंगे 10,000 रुपए। इसके बाद यदि हमें पहले वर्ष का ब्याज ज्ञात करना हो तो पहले वर्ष का ब्याज बराबर कितना होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो यदि मूलधन यहाँ पर है 10,000 रुपए, दर कितनी दी गई है प्रश्न में, 10, समय क्योंकि हम पहले वर्ष के लिए ज्ञात कर रहे हैं यानी कि 1 वर्ष की गणना की जा रही है, तो इसे हम लेंगे 1 और बटे 100। इसे हल कर ले तो यदि हम 100 के पहाड़े से इसे काटें तो 100 एकम 100 कितनी बार जाएगा, 100 बार, और 100 गुणित 10 गुणित 1 यानी कि 1,000 रुपये यहाँ हमें पहले वर्ष का ब्याज प्राप्त हुआ। अब प्रश्नानुसार हमसे कहा जा रहा है कि उक्त राशि को अतिरिक्त राशि ब्याज के साथ आपको वापस करना है, और अगले वर्ष के लिए हमारा जो मूलधन होगा तो दूसरे वर्ष में जो मूलधन हमको मिलेगा उसमें क्या होगा कि पिछले वर्ष का ब्याज हमें जोड़ना पड़ेगा। तो दूसरे वर्ष का जो मूलधन है उसे हम किस्त के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, P2 के द्वारा, और P2 का मान कितना हो जाएगा, P1 धन पिछले वर्ष का जो ब्याज है यानी कि 1,000 रुपये, वो हमें यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो हम जोड़ देते हैं SI1 को, SI1 यानी सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले वर्ष का साधारण ब्याज। तो P1 कितना है, आपने P1 कितना लिया हुआ है, 10,000 रुपये, और SI1 यानी कि ये हमें कितना प्राप्त हुआ है, 1,000 रुपये। तो P2 हमें मिल गया, 10,000 और 1,000 को हमने जोड़ा तो हमें मिल गया 11,000 रुपये। ये हुआ दूसरे वर्ष के लिए मूलधन। चलिए आगे हल करते हैं। हमें दूसरे वर्ष के लिए मूलधन P2 बराबर कितना प्राप्त हुआ था, 11,000 रुपये। तो अब हम दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं, अतः दूसरे वर्ष का ब्याज इसे हम किससे व्यक्त करेंगे, SI2 से। इसका मान कितना हो जाएगा, 11,000 गुणित हमारी दर कितनी है, 10, समय क्योंकि हम दूसरे वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, गणना एक ही वर्ष की हो रही है इसलिए 1 बटे 100। 100 के पहाड़े से इसे हल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 110 गुणित 10 गुणित 1, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 1100 यानी कि 1,100 रुपये। ये हो गया दूसरे वर्ष का ब्याज। अब यदि हमें तीसरे वर्ष के लिए मूलधन निकालना होगा तो फिर से तीसरे वर्ष का मूलधन कितना हो जाएगा, हमें 1100 को उसमें फिर से जोड़ना होगा, यानी कि P3 बराबर तीसरे वर्ष का मूलधन बराबर P2 यानी कि दूसरे वर्ष का मूलधन धन जो हमें प्राप्त हुआ है ब्याज SI2। तो P2 का मान रख लें, P2 का मान हमारे पास आया था 11,000 रुपये और SI2 हमारे पास है 1100 रुपये। कितना मिलेगा ये, 12,100 रुपये। तो तीसरे वर्ष का मूलधन P3 बराबर 12,100 रुपये। चलिए आगे हल करते हैं। तीसरे वर्ष के लिए हमें मूलधन P3 बराबर प्राप्त हो गया है 12,100 रुपये। तो अब हम तीसरे वर्ष का ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं।
तीसरे वर्ष का ब्याज, इसे व्यक्त किया करेंगे हम SI3 से, बराबर मूलधन जो है हमारा 12,100 गुणित दर पुनः 10, समय तीसरे वर्ष के लिए गणना हो रही है, एक ही वर्ष की गणना कर रहे हैं, 1/100। इसे हल कर ले तो हमें मिलेगा, 100 के पहाड़े से हल कीजिए तो ये मिलेगा 121, 121 गुणित 10 गुणित 1 यानी कि 1210 रुपये। अब यदि हमें कुल भुगतान की जाने वाली राशि प्राप्त करनी है तो वो कितनी हो जाएगी, भुगतान की जाने वाली राशि बराबर हो जाएगा P3 यानी कि तीसरे वर्ष का मूलधन धन SI3, क्योंकि हमें 3 वर्ष के अंत में जो राशि वापस करनी है उसके बारे में बताना है। तो P3 कितना है हमारा 12,100, धन SI3 मिला है 1210 रुपये। तो फाइनल हमें यहाँ पे मिल गया 13,310 रुपये। तो ये वापस की जाने वाली राशि हुई। अब बात कर लेते हैं कुल ब्याज की। तो कुल ब्याज कितना हुआ, कुल ब्याज बराबर हमारे पास क्या क्या होगा, हमें जो ब्याज मिले हैं वे थे SI1, सभी को हमको यहाँ जोड़ना होगा, SI2 और धन SI3, तीनों का मान ले लें, तीनों का मान हम लिख सकते हैं। SI1 हमें कितना मिला था 1,000 रुपये, SI2 प्राप्त हुआ था 1,100 रुपये, और SI3 हमारे पास है 1,210 रुपये। तो कुल ब्याज हुआ 3,310 रुपये। इस प्रकार भुगतान की जाने वाली कुल राशि हुई 13,310 रुपये और कुल ब्याज हुआ 3,310 रुपये। इस प्रश्न में हमने देखा कि जब मूलधन 10,000 रुपये, दर 10% वार्षिक और समय 3 वर्ष था तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त हुआ, ब्याज बराबर हमें मिला है 3,310 रुपये। अब यदि मूलधन 10,000 ही हो, 10% की दर ही हो और समय 3 वर्ष ही हो तो क्या साधारण ब्याज भी इतना ही मिलेगा, चलिए करके देखते हैं। हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर कितना होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय 100। मूलधन 10,000, दर 10 और समय जो है वो हमारा 3 वर्ष 100। यदि इसे हम हल करें 100 के पहाड़े से तो 100 एकम 100 और ये 100 बार हमें गुणा करने से 10,000 प्राप्त होता है। 100 × 10 × 3 यानी कि यहाँ हमें कितना प्राप्त हो रहा है 3,000 रुपये। तो समान मूलधन, समान दर और समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमें प्राप्त हुआ था 3,310 रुपये, जबकि साधारण ब्याज हमें मिल रहा है 3,000 रुपये। इसका अर्थ है कि इन दोनों में अंतर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का मान समान राशियों के लिए अलग और साधारण ब्याज का मान अलग होता है।